नमस्कार, मैं साक्षी गुप्ता, आप देख रहे हैं सीटीवी 24 न्यूज चैनल। अयोध्या में बड़ा फैसला लेते हुए अखिल भारतीय चाणक्य परिषद ने सोमवार को बीकापुर सीताकुंड से ऐलान किया कि गोसाईगंज विधानसभा से विधायक इंद्र प्रताप तिवारी के ऊपर किसी भी प्रकार की साजिश का प्रयास सभी राजनीतिक दलों को महंगा पड़ेगा। बता दें कि किसी भी राजनीति उत्पीड़न की दशा में परिषद से जुड़े लाखों की तादाद में समर्थक नोटा का इस्तेमाल करके इसका बदला लेंगे। गोसाईगंज के विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी के जेल जाने को राजनीतिक साजिश करार देते हुए चाणक्य परिषद के तत्वाधान में आज बीकापुर के सिद्ध पीठ सीताकुंड धाम पर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करके संबल प्रदान करने को लेकर पूजा अर्चना की गई। इस दौरान चाणक्य परिषद के संरक्षक रामानुज तिवारी ने दावा किया कि हनुमान चालीसा सुंदरकांड पाठ के बाद विशाल हवन कर हनुमान जी से संकट मोचन की भूमिका अदा करने की प्रार्थना की जाएगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा नेता राकेश राणा, युवा भाजपा नेता शैलेंद्र पांडे उर्फ मोनू पांडे, चाणक्य परिषद के मानस तिवारी, संजय पांडे, अनिल उपाध्यक्ष, रंगनाथ राजकुमार, कमलेश सहित दर्जनों पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए रामा सिंह की यह रिपोर्ट। निर्णय लेने जा रहा है, अगर हमारे नेता का उत्पीड़न न बंद किया गया तो हम ब्राह्मण समाज के जितने भी वोटर हैं इस जिले में किसी दूसरी पार्टी को वोट नहीं देंगे अथवा नोटा बटन को दबाएंगे। हम ब्राह्मण समाज का अनुष्ठान है। मैं रामानुज तिवारी, अखिल भारतीय चाणक्य परिषद का सबसे बड़ा पदाधिकारी, हमारे संविधान जो होता है संरक्षक होता है, मैं राष्ट्रीय चाणक्य, और यह अनुष्ठान मैं दो जगह आज समझिए हो गया, हर ब्लॉक में हर न्याय पंचायत स्तर तक ले जाऊँगा। हमारे साथ अन्याय हो रहा, उत्पीड़न हो रहा, हमारे नेता का हमारे नेता को साजिशन फंसाया गया है, उनका भविष्य नष्ट करने के लिए हम इसके विरोध में उनको भगवान से समर्थन दिलाने के लिए यह आयोजन कर रहे हैं और इसको हर